नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रसैनी और आप देख रहे हैं दिल्ली 99। बिहार की राजनीति लंबे समय से देश में एक चर्चा का विषय बनी हुई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहले बीजेपी से नाराज चल रहे थे, वो केंद्र सरकार से नाराज चल रहे थे और इसी बीच बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने आज नीतीश कुमार से मुलाकात की। आपको बता दें, नाश्ते पर उन्होंने करीब एक घंटे तक नीतीश कुमार से बातचीत की और खबर ये है कि सीटों के बंटवारे को लेकर ये बातचीत हुई है। हालांकि अभी ये साफ नहीं हो पाया है कि किसको कितनी सीटें मिलेंगी, लेकिन खबर ये है कि सीटों पर ये चर्चा हुई है। लेकिन आपको बता दें, मीडिया से भी ना नीतीश कुमार रूबरू हुए और ना ही बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह। लेकिन आपको बता दें, डिनर पर उनकी मुलाकात दोबारा होनी है, उसके बाद शायद कुछ साफ हो पाए कि आखिर अमित शाह की ये मुलाकात नीतीश कुमार से किस बारे में हुई है। क्या सीटों के बंटवारे को लेकर ही फैसला होना है, ये उस मुलाकात के बाद ही साफ हो पाएगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार काफी लंबे समय से केंद्र सरकार से नाराज चल रहे थे, वो सीटों के बंटवारे को लेकर नाराज थे, साथ ही वो केंद्र सरकार के रवैये को लेकर नाराज चल रहे थे और इसी बीच अमित शाह ने उनसे मुलाकात की है। साथ ही आपको बता दें, बिहार की सियासी राजनीति को देखते हुए एक खास मुलाकात बताई जा रही है, क्योंकि बिहार में जिस तरह से एक राजनीतिक संकट आ गया है और इसी बीच जेडीयू ने एनडीए से अलग होने का फैसला भी किया था, लेकिन फिर से वो एनडीए के साथ आ गए हैं, उसके बाद ये मुलाकात हुई है। तो अब डिनर पर जो मुलाकात होनी है दोबारा, उसके बाद ही ये साफ होगा कि आखिर अमित शाह और नीतीश कुमार की यह मुलाकात किस वजह से हुई है। और अधिक खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें दिल्ली 99।